एक और हॉट सीट की हम बात करेंगे और ये हॉट सीट है बरहेट की सीट, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पर बीजेपी ने गमालियल हेमरम को चुनावी मैदान में उतारा है। तो हेमंत सोरेन को या सोरेन परिवार को या जेएमएम को ये सीट कितना सपोर्ट करती रही है, क्या बीजेपी यहां कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी, इस बार के समीकरण, इस बार के हालात क्या कहते हैं? देखिए, बरहेट में आज तक कमल खिला नहीं है। अगर आप 1980 से भी देखें तो जेएमएम यहां से 7 बार जीतने में सफल रहा है और कांग्रेस 2 बार। और जब 1990 में जेएमएम यहां पहली बार जीता, उसके बाद से वो यहां पर हारा नहीं है। 1990, 95, 2000, 5, 9, 14, 19 सभी में यहाँ पर जेएमएम को ही जीत मिली है। और यहाँ पर हेमलाल मुर्मू जो है वो कई बार जीते हैं। 1990 में जीते, 95 में जीते, फिर 2000 में जीते, फिर 5 में जीते, फिर 9 में जीते। इसके बाद 2014 से ये सीट इस सीट पर जो है हेमंत सोरेन आ गए और उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया जेएमएम के टिकट पर। हालांकि पहली बार हेमलाल मुर्मू ही उनके खिलाफ उतरे बीजेपी के टिकट पर, लेकिन उनका जादू चला नहीं। जो यहाँ बीजेपी का वोट प्रतिशत है वो 28-30% के आसपास है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी यहाँ 35% के आसपास वोट लाने में कामयाब हुई थी, लेकिन तब भी जो है हेमंत सोरेन को 53.49 मतलब लगभग 53.5% वोट मिले। तो जो वोट डिफरेंस है वो 18.67% का है। तो जब 50 के ऊपर या 50 के आसपास किसी कैंडिडेट को मिलते हैं तो अगले चुनाव में थोड़ी मुश्किल हो जाती है दूसरे कैंडिडेट के लिए। या एक देखिए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो आपको मिलता ही है, लेकिन बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है और बरहेट में परिणाम में बदलाव हो चाहे नहीं हो, और वैसे बहुत कुछ बदला है। बदला यह है कि जो साइमन माल्टो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे हेमंत सोरेन के खिलाफ, वो अब हेमंत सोरेन के साथ हो लिए हैं। उन्होंने जेएमएम जो है वो ज्वाइन कर लिया है। इन सब के बीच हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, उन्होंने जो है उधर साथ छोड़ दिया है और अब वो बीजेपी के साथ हो गए हैं। प्रत्याशी भी बदल गए हैं। इस बार गमालियल हेमरम चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गमालियल हेमरम बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब वो भी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी का मुद्दा है वो आप घुसपैठ की बात कर लीजिए, धर्मांतरण की बात कर लीजिए, तो वो यहाँ पर बीजेपी गमालियल हेमरम के थ्रू उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ का जो समीकरण है वो पूरी तरह से जेएमएम को सपोर्ट करता है। यहाँ से एसटी वोटर्स जो हैं लगभग 61% हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो लगभग 16% के आसपास हैं, तो कुछ बच नहीं जाता है। अब गमालियल हेमरम को ये दिखाना होगा कि वो जो आपको आदिवासी वोटर्स हैं उसमें कितना पेनिट्रेट कर पाते हैं और वहाँ से कितना वोट निकाल कर लेकर आ पाते हैं। एक चुनौती उनके सामने जो पहली होगी कि पिछली बार बीजेपी को यहाँ जितने वोट आए थे 35%, क्या उससे वो आगे बढ़ते हैं, क्या वो हेमंत सोरेन को 50% के नीचे लेकर आ पाते हैं और अपना वोट जो है वो 35-40% तक कर पाते हैं। पहली चुनौती वो होगी, क्योंकि जो डिफरेंस है वो लगभग 18.67 मतलब 19% मान लीजिए। तो यहां पर परिणाम बदलने के लिए गमालियल हेमरम को जो हेमंत सोरेन का वोट है उसमें से 10% अपनी तरफ स्विंग करना होगा। इतना बड़ा स्विंग आम तौर पर नहीं होता तब तक जब तक कि कोई लहर ना हो, और ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में लहर कुछ है नहीं। तो मुकाबला अच्छा है, लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं, इस बात के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए कि वो लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं, लेकिन वो परिणाम बदल देंगे मुझे थोड़ा इसमें शक है। चलिए, तो बरहेट की जंग भी बेहद दिलचस्प और हॉट सीट है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन इसमें चुनावी मैदान में इस सीट पर हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।